हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम क्लास नंबर 38 देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो को ठीक से देख लिए होंगे और प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम बारिश कराया जा सकता है, कैसे बारिश होंगे, कैसे कार्टून कैरेक्टर के अंदर बारिश का सीन होंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फोल्डर यानी जेपीजी हो, फाइल हो, या कोई भी एक फोल्डर आपको ले लेना है। ईआई फाइल हो, ईपीएस फाइल हो, या जेपीजी हो, कोई भी एक फ़ोटो होना चाहिए जो आपको बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। तो मैं जेपीजी का इस्तेमाल करता हूँ, ईआई का नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जेपीजी भी इस्तेमाल करो या कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जेपीजी को यहाँ इलस्ट्रेटर के एनिमेट के अंदर यहाँ आए और यहाँ ड्रॉप करके यहाँ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसको मैं छोटा करता हूँ। अब देखिए, ये हमारे ऑलरेडी फोटो आ चुका है, यानी हमने जंगल का लिया हूँ, क्योंकि यह बारिश के लिए, जंगल हो या गेट के हो, रास्ते के हो, कहीं का भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जंगल का किया, ठीक है। अगर आप चाहो तो रास्ते का भी कर सकते हो, घर का भी कर सकते हो, कहीं का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसको आप छोटा कर लेना है, क्यू प्रेस कीजिए और यहाँ से आप ऐसे करके इसको छोटा कर लो और ये परफेक्ट होना चाहिए। अगर हल्का सा भी यहाँ अगर कोई खाली रहेगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको परफेक्ट तरीके से आपको होना चाहिए। और सबसे पहले क्या करना, ये हो जाने के बाद आपको कंट्रोल इंटर दबा देना है, एक बार कंट्रोल इंटर दबा के आपको चेक कर लेना है, ठीक है, जी आपका परफेक्ट आया या नहीं आया, ओके। इसके बाद ये हो गया। अब आपको इसको क्या करना, क्लिक किया और इसको आप ये कर लीजिए, सिंबल कर लीजिए। सिंबल करने के लिए आपको मालूम ही है कीबोर्ड का सबसे ऊपर जो है F8, उसको प्रेस कीजिए, यहाँ आपको आएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी नाम देना है, इसका बैकग्राउंड दीजिए या मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ, आपको जो नाम लिखना है आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़, यह टाइप पे आपको मूवी क्लिप आपको करना है। मूवी क्लिप इसलिए, कहीं चीज़ का ग्लो दिखाना है, लाइटिंग दिखाना है, शेडो दिखाना है, चमकाना दिखाना है, बिजली करकता हुआ दिखाना चाहिए, तो इसके लिए आपको मूवी क्लिप करना है। ग्राफिक में कभी नहीं होंगे, ये मूवी क्लिप करना बहुत ज़रूरी है, और मूवी क्लिप करना ही है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड पे याद रखना, मूवी क्लिप होना चाहिए। इसके बाद आपको ओके कर देना, ठीक है। जब आप ओके कर दोगे, 2 सेकंड तक आप एक ले लो, ठीक है, F5 प्रेस करके। अब आपको क्या करना है, ये जब हो जाए तो आपका मूवी क्लिप आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट पे, आपका ऑलरेडी मूवी क्लिप हो चुका है। अब आपको फ्रेम पे आना है, ठीक है। यहाँ आपने फ्रेम पे क्लिक किया, सबसे नीचे आ जाओ, मूवी क्लिप पे सबसे नीचे आना है, ठीक है। यहाँ ब्राइटनेस पे नहीं, या नॉन कर दीजिए, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना फिल्टर, मैं आपको और एक बार बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनना। ये ऐसे हो गया, जब आप बना लोगे ये मूवी क्लिप हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पे आना है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ आपको नॉन ही रखना है, नॉन ही है, लेकिन मेरा माउस का जो है स्क्रोल बटन है वो थोड़ा सा नीचे हो गया। यहाँ जो आप फिल्टर देख रहे हो ना, फिल्टर का प्लस आइकन को आपको क्लिक करना है और एडजस्ट कलर पर आपको क्लिक कर देना। एडजस्ट कलर इसीलिए इसको क्लिक करना है, जो ये हमारे लाइटिंग है, यानी हमें ये अंधेरा दिखाना है। बारिश जब होंगे तो अंधेरा ही होता है, तो ये हमें अंधेरा दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस पे लेके जाएंगे ब्राइटनेस को, ठीक है। तो अंधेरा अंधेरा करना है, कितना तक चलूँ, 50 तक, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा, जो कॉन्ट्रास्ट होता है मतलब लाइट जो होता है ना, उसको भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो ये रात टाइप का होना चाहिए, 22 परफेक्ट है, ठीक है। 50 और 22 मैंने अपने हिसाब से रख लिया, आपके हिसाब से जो रखना है आप रखिए, ओके। अब आपको क्या करना है, ये आपका कंप्लीट हो गया, आप लिख दीजिए इसका बैकग्राउंड, बीजी मैंने लिख दिया, यानी बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। आपको जो नाम लिखना है आप लिखिए। अब नया लेयर लीजिए, इस लेयर को आप लॉक भी कर दीजिए और हाइड कर दीजिए, ओके। यहाँ आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सबसे हल्का सा ऊपर कीजिए इतना सा, ठीक है। ये व्हाइट पार्ट को क्लिक करना, ये व्हाइट पार्ट यानी स्टेज को क्लिक करना। स्टेज को क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख रहे स्टेज है, ये आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। अगर आपने यहाँ क्लिक नहीं किया, अगर क्लिक नहीं हो रहा है भाई, तो आपको डॉक्यूमेंट पे एक बार क्लिक करना। तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ये स्टेज आपको आ जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेटिंग पे आपको स्टेज मिलेंगे, याद रखना। यहाँ आपको क्लिक करना है, क्लिक करके इसको ब्लैक कर देना, ठीक है। स्टेज का कलर ब्लैक होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेज का कलर ब्लैक होना चाहिए। और स्टेज के लिए आपको डॉक्यूमेंट में जाना है और स्टेज पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे, एक बार क्लिक कर दिया तो ये स्टेज का कलर ले लेंगे, ओके। अब आपको क्या करना है, ये हो गया। इसके बाद
आपको यहाँ जो देखना है ब्रूस टूल को आपको क्लिक करना है। ब्रूस टूल को क्लिक करने के बाद यहाँ जो आप देख रहे हो ना ये ऑब्जेक्ट, इसको भी क्लिक कर दीजिए। ओके, जब आप ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दोगे तो ये आपको साइज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको जितना साइज़ देखिए, मान लीजिए आपने 10 नंबर साइज किया तो कितना बड़ा हो रहा है, यानी बारिश का इतना बूंद आता ही नहीं है। अगर आपको बिजली करकता हुआ दिखाना चाहिए तो ऐसे करके ये कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसके लिए 50 चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं दिखाना है बिजली करकता हुआ, लाइटिंग दिखाना है सिर्फ और बारिश दिखाना है, तो यह आपको हॉरर मूवी के जिस हिसाब से हॉरर मूवी होता है, जिस हिसाब से भूत का होता है, इस टाइप का आपको दिखाना है लोगों को डरावने के लिए, तो ये आप कर सकते हो। तो सेम टू सेम प्रोसेस ही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 1 पे रखना है, ओके। और ये जो देख रहे हो ना, ये आपको क्लिक करके सेकंड वाले को ही लेना है, सेकंड वाले को लेना है, ध्यान देना, बाकी ये सब ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सीधा आपको लाइन टर्न लेना है ऐसे करके, ठीक है। ये ध्यान देना है, ऐसे करके आपको लाइन टर्न सीधा करना है। अगर थोड़ा सा टेढ़ा भी हो रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीधा ऐसे करके ये बनाना है, ओके। थोड़ा टेढ़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधा करोगे तो परफेक्ट है। तो जस्ट हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, हमने टेढ़ा भी कर दिया, क्योंकि आप पहले जब करोगे ना तो आपको टेढ़ा भी होंगे, ओके। इसके बाद आपको नीचे ले लेना है, बराबर आपको मिलाने का ज़रूरत नहीं है, जो आपको बराबर होना चाहिए ऐसे कोई बात नहीं है, ओके। कहीं से भी आप ले सकते हो, ओके। अगर मान लो कोई गलती हो रहा है ना तो कंट्रोल जेड कर लो, जैसे ये नहीं चाहिए हमें तो कंट्रोल जेड कर दो, ऐसे फिर दोबारा ले आओ, ठीक है। इसका कोई ये नहीं है जो आपको परफेक्ट सीधा ही रखना है, यानी उसी लाइन के हिसाब से, ये नहीं। और बिल्कुल सीधा तो कभी मत रखना, क्योंकि बारिश हो रहा है, बारिश कभी सीधा होता ही नहीं है, थोड़ा टेढ़ा बहुत होता है। तो ऐसे करके आपको कर लेना है, ये गलत है, ठीक है। इतना सा अगर आपका हो गया ना तो आप टेंशन मत लो अब, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैं ज़्यादा हार्ड के काम कभी नहीं बताता हूँ आपको, जिससे यानी किस हिसाब से आपको इजी होंगे, कैसे आपके इजी प्रोसेस होंगे, ये हम आपको हमेशा ही कोशिश करता हूँ जो आपको आसान लगे, कार्टून वीडियो आप ज़्यादा भारी ना हो, जो आप आसानी से बना पाओ और ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। ये इतना सा जब हो जाए ना, भी प्रेस करना, यहाँ से इसको क्लिक करना, ओके। कंट्रोल सी करो और कंट्रोल भी करो, जब कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करोगे तो इसको आपको बराबर नहीं रखना, इसको ऐसे ऊपर कर देना, ओके। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दो, यहाँ से इसको फिर कर देना, ओके। फिर से आप कंट्रोल भी कर दो, इसको आपको यहाँ तक नहीं रखना, जब ये हो गया अब इसको क्लिक करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, बाहर तक यहाँ तक ले आके रखते हैं, अब तीनों को एक ही बार मैं क्लिक कर दिया, इसको हल्का सा नीचे ले लिया, ध्यान देना ऐसे, ठीक है। इसको यहां से ले लिया, कर दिया, अब ये भी हल्का सा नीचे करके ये भी हो गया। अब क्या करना, ये चारों को क्लिक करना, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल भी, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करने के बाद इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ ऐसे करके, और इसको ठीक से सेट कर दो, ठीक है। और एक बार कंट्रोल भी कर दो, यानी नीचे तक होना चाहिए, ओके, कहीं भी खराब ना हो, हो गया। अब इतना सा आपको कंट्रोल एक्स कर दो और यहाँ आके इसको कंट्रोल भी कर दो और ऊपर भी सेम बराबरी रख लो, ठीक है। अब क्या करना, देखिए ये हो गया ना, अब कितना जहाँ जहाँ गैपिंग है, जैसे मान लीजिए कहाँ गैपिंग है, यहाँ गैपिंग है, फिर हम ब्रश टूल को क्लिक किया, यहाँ ज़्यादा गैपिंग है, जहाँ जहाँ ज़्यादा गैपिंग है इस जगह को ज़्यादा गैपिंग है,
अब देख रहे हो जहाँ ज़्यादा गैपिंग है, आपको ऐसे मिन वाले इसको ड्रॉप करके कर देना है, ठीक है। कहीं भी ज़्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा गैपिंग होंगे तो ख़राब लगेंगे दिखने में, ये आपको भी मालूम है, ठीक है। और पॉइंट वन रखना, ठीक है। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, भी प्रेस करेंगे हल्का सा, यहाँ का भी कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे, और इधर भी हल्का सा ज़्यादा रख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम छोटा करते हैं, ये स्टेज के बराबर ये फुल हो जाना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। हो गया, चाहो तो आप इसको डिलीट कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसको क्लिक किया, हो गया क्लिक। अब F8 प्रेस करो, F8, इसको आपको मूवी क्लिप नहीं करना है, ग्राफिक करना है, तो ये आप रन कर दो, ओके। रन करने के बाद इसको आपको ये मूवी क्लिप हो गया, ऑब्जेक्ट पे देखते हैं, मूवी क्लिप हो गया, तो इसको हमें दोबारा ये करना है, ठीक है। हम और एक बार इसको क्लिक करते हैं, अगर आपका गलती से अगर ये भी हो गया ना, तो आप कंट्रोल बी करो, तो ये मूवी ये ग्राफिक हट जाएंगे, ठीक है। ये ग्राफिक हट गया, अब देखिए कंट्रोल बी दबाने से ग्राफिक हट जाता है, ठीक है। कंट्रोल बी बिफोर बॉल, अब F8 करो, ये मूवी क्लिप नहीं होना चाहिए, ये ग्राफिक होना चाहिए, और यह रेन कर दो, या बारिश जो लिखना है, ऑलरेडी हमने रेन लिख दिया एक बार, तो ये रेन आ गया, तो हम डबल एन कर देते हैं, ठीक है, ओके। ये हो गया, अब हम इसके अंदर चलते हैं। अब हमें ये अब ठीक से ध्यान दे के देखना है, ये हो गया, यहाँ आना है, ठीक है। एक फ्रेम छोड़ के एक फ्रेम पे क्लिक करना है और F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस करने के बाद हमें 5 बार, देखो यहाँ जितने बार आप लेफ्ट और राइट करोगे, लेफ्ट और राइट, उतनी तेज़ी से आपको बारिश गिरेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं हल्का सा कर रहा हूँ, 5-5 करके, 10 करोगे तो उससे ज़्यादा, 15 करोगे तो उससे ज़्यादा, तो मैं 5-5 कर रहा हूँ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ओके। और नीचे करता हूँ फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ भी F6 किया, अब चाहो तो इसको 10 कर सकते हो, नहीं तो आप इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, तो हॉरिजॉन्टल कर देते हो, मॉडिफाई पे क्लिक किया, ठीक है, ट्रांसफर पे क्लिक किया, तो ये और भी अच्छे हो जाएंगे। फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया ना, तो अब किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, तो अब हम लेफ्ट की तरफ क्लिक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। नीचे करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, अब देखिए यहाँ इतना सा सिर्फ करना है आपको, एनिमेशन देखिए, ये बारिश हो गया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल बाहर आके दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल एंटर किया, अब बाहर देखते हैं किस हिसाब से, वो देखिए हमारे बारिश गिर रहा है ना। अब आपको सबसे पहले ये हो गया, क्लिक किया, क्लिक कर दिया, यहाँ कलर इफेक्ट पे क्लिक करना है, कलर इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद अल्फा पे क्लिक करना है, ध्यान देना अल्फा अल्फा होना चाहिए, और 50 जितना नीचे कर सकते हो, ठीक है, तो ये 32 नहीं देना, 43, ठीक है, ओके। ये हो गया, अब इसको आप खोल दो, अब कंट्रोल एंटर करो, देखो जिस हिसाब से तेज़ी से ये हो रहा था, अब उस हिसाब से नहीं होंगे, ये बारिश की जैसा हो गया, ठीक है, बारिश गिर रहा है लगता है, है ना। लेकिन ये जो देख रहे हो ना टेढ़ा टेढ़ा, तो ये आपको सीधा कर देना है, ये हो गया। अब क्या करना, अभी भी काम बाकी है, देखो ये क्लिक करना, क्यू प्रेस करना है कीबोर्ड से, क्यू प्रेस करके इसको हल्का सा टेढ़ा कर दो ऐसे, क्योंकि बारिश इस हिसाब से आएंगे, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अब देखो, देख रहे हो ना, कंट्रोल एंटर करते हैं, देखिए बारिश हल्का सा उल्टा कर दिया ना, तो ये लगता है ठीक से बारिश की जैसे गिर रहा है, ओके। और भी हल्का सा ये है, तो आप और भी टेढ़ा कर सकते हो, ठीक है, अगर इतना सा करना चाहते हो तो इतना सा भी कर सकते हो,
एक मिनट, यहाँ इसका की फ्रेम यहाँ बन गया, तो इसको हम क्या करेंगे, ये एल टी बटन दबा के यहाँ लेके आ जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ की फ्रेम का ज़रूरत नहीं है, तो शिफ्ट प्लस F6 ऊपर का, ठीक है। अब कंट्रोल इंटर करते हैं। अब देखिए हमारा बिल्कुल बारिश हो रहा है, अब और भी बाकी है, ठीक है। बारिश तो हो गया लेकिन बिजली कड़कता हुआ, ये अभी तक लाइटिंग शो अभी तक नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करना, बैकग्राउंड इसको आप लॉक कर दो, ठीक है। ये हम बारिश लिख देते हैं या रेन लिख देते हैं, अरे IN जो लिखना है लिख देना, ठीक है। इसको हमने लॉक कर दिया। अब इस पर क्लिक किया ना, 15 फ्रेमों को क्लिक किया, यह F6 किया। F6 किस लिए किया आपको बताता हूँ। देखिए यह जब F6 किया ना, तो आपको क्या करना है, ये फिल्टर देख रहे हो ना, फिल्टर पे आपको क्लिक करना है और एडजस्ट कलर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब एडजस्ट कलर पे आप क्लिक करोगे ना, तो इसका कॉन्ट्रास्ट आपको बढ़ा देना है, यानी इसका जो है ना माइनस, एक मिनट, यह किस हिसाब से है, यह 50 है माइनस, तो इसको आप कर दो 6 नहीं 7 नहीं, एक मिनट, ठीक है। F6 किया, यह क्लिक किया, 6 7 8 10 10, ठीक है, 11। और ये इसको जो है ना, ये है नीला टाइप का, यानी लाइट टाइप का है, ठीक है। तो इसको बढ़ा दो आप, तो इसको आप 39 तक नहीं 45 तक कर दो इसको, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हल्का सा बढ़ा ही दो, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का मतलब लाइट होता है, तो 8-10 बढ़ा देना। और ये सिचुएशन का भी बढ़ा दो, ये 20-21 तक कर दो, 22, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, अब आपको दिखाता हूँ, ये हो गया लाइटिंग आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो ना, ये हो गया, अब लाइटिंग आ रहा है। क्या करना है अभी, देखिए मैं आसान शब्द से आपको बता रहा हूँ, ये हो गया ना, जब यह क्लिक करना, ठीक है, ये एल टी बटन दबाना, ये एल टी दबाओ, माउस के लेफ्ट बटन दबाओ और ऐसे करके यहाँ 3-4 फ्रेम छोड़ के यहाँ रख दो इसको, फिर इसको क्लिक करो, फिर ये एल टी बटन दबाओ, फिर इसको यहाँ तक, इसको 2 फ्रेम छोड़ो, ज़्यादा नहीं। अब इसको क्लिक करो और ऐसे करके यहाँ क्लिक करो, ठीक है। अब देखो कंट्रोल इंटर करते हैं, देख रहे हो ना बिजली कड़कता हुआ, देखिए बिजली कड़क रहा है, लाइटिंग अभी भी बाकी है, देखिए। ओके, अब क्या करना, ये हो गया ना इतना सा, अब और भी देखिए, ये हो गया। अब इससे हमें, ये तो हल्का सा हो गया क्योंकि पहले जब बिजली कड़कता है तो हल्का सा कड़कता है, इसके बाद दोबारा जो है सेकंड पर ये ज़्यादा होता है, तो हमें क्या करना, यहाँ से ऐसे करके इसको क्लिक कर देना, ठीक है, लेफ्ट बटन दबा के, ये एल टी बटन दबाओ, माउस के लेफ्ट बटन दबाओ और यहाँ से इसको भी लेके आओ और यहाँ छोड़ दो। ओके, अब मैंने पहले वाले में लाइट बढ़ाया था, अब क्या करना, इसको एडजस्ट पे आओ, इसका हमने 11 किया था ना माइनस, अब इसको जो है इसको डाउन करो, ठीक है, इसको लाइटिंग ब्राइटनेस हल्का सा रख दो 8, ठीक है, प्लस कर देना, ये 45 तक है ना, इसको 70 तक कर दो, 72, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा ही दो, 24 कर दो, ठीक है। जब ये क्लिक हो गया, अब क्या करना, इसके बाद हमने यह क्लिक किया, ये एल टी बटन दबाया, माउस के लेफ्ट बटन दबाया और इस पर हमने फिर छोड़ा था, एक के बाद एक के बनाया था, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया, अब ये हो गया, अब कंट्रोल इंटर दबाते हैं, ये एल टी दबा और उसके ऊपर देखिए, देखिए बारिश भी हो रहा है। मैं आप फ्रेम को और बढ़ा ही देता हूँ, एक मिनट 4 सेकंड तक कर देता हूँ, F5, कंट्रोल एंटर। अब देख रहे हो ना बिजली कड़कता हुआ, देखिए पीछे से भी देखिएगा, पहले कितना दूसरी बार किस हिसाब से हो रहा है, बिजली कड़कता हुआ आ रहा है ना। तो आपको जितना टाइम तक बढ़ाना है तो आप बढ़ा दीजिए इसको, F5 प्रेस कर दीजिए तो ये ज़्यादा देर तक रहेगा। जैसे आप मान लीजिए F5 यहाँ करना है तो ये और भी रुक जाएंगे, इसको फिर F5 कर दो, इसको भी और F5 करना है तो F5 कर दो, तो ज़्यादा देर तक रुकेगा। देखिए कंट्रोल एंटर करते हैं, अब अपने टाइम के हिसाब से उसको कर देना, पहले जल्दी हो गया, अब देखिए दूसरी बार देखिए जल्दी हो गया, अब देखिए कितना देर तक रुका फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपको टाइम के हिसाब से देख लेना है। ओके, F5 कर दिया, कंट्रोल एंटर करके और एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है,
करकता हुआ रहा है, पहले हल्का सा दिखा दिया पर दो सेकंड बार देख रहे हो ना किस हिसाब से, तो ये आपको इस हिसाब से बनाना है। अभी भी काम बहुत बाकी है, ठीक है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। प्रोफेशनल मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफेशनल कैसे बनाना है आपको। तो इसके बाद आपको क्या करना, ये दोनों लेयर को लॉक कर दो। ओके, लॉक करने के बाद, क्योंकि इसीलिए देखिए यहाँ जब बारिश गिरता है ना तो ये इस टाइप का होता है ना, मतलब बारिश गिरा फिर 5-6 टाइप का हो गया, फिर ऊपर से नीचे हुआ, यानी क्या कहते हैं ना बारिश का बूंदे, जो बूंदे 10-12 टाइप का होता है, तो उसको भी बनाना है। तो क्या करना है, इसको क्लिक किया, यहाँ बारिश के बूंदे लिख दो, POND बूंदे लिख दो या जो भी आपको लिखना है, ठीक है, क्लिक किया। हमने जस्ट अभी एक ये बनाया, सेप बनाया, ठीक है, क्योंकि इसका इसको मुझे ये करना है, सिंबल करना है, एफेक्ट किया, इसको भी ग्राफिक होना चाहिए, तो बूंदे लिख दिया। ओके, इसके अंदर जाओ, जब गए इसको डिलीट कर दो, आप इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने इसको डिलीट कर दिया। ओके, अब क्या करना, ध्यान देख से देखना, अब जूम करो, हल्का सा जूम होना चाहिए। अब ब्रूस टूल को क्लिक करो, एक पे होना चाहिए और ये क्लिक है ही। अब ऐसे करके पत्थर पे जो ऐसे यह आना है, ठीक है, ये बहुत छोटा हो रहा है, एक मिनट कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, पाँच, ये अंदर पाँच ही ले रहा है, ठीक है, ये इतना सा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना, देखिए F7 प्रेस करना, F7, यह F6 की ज़रूरत नहीं है, F7 की, F7 हो गया। अब आपको कहाँ करना, कहाँ किया था उसके हिसाब से देखिए, यहाँ किया था ना, इसके नीचे आपको इस हिसाब से, सॉरी, अब F7 पे जो किया था, इसके बाद यह इस पत्थर को आपको इस हिसाब से बना देना है, यानी यह बूंदे गया, ठीक है। अब चाहो तो इसको यहाँ ओपन कर दो, कहाँ का क्या था ये आपको दिखा देंगे, फिर F6 करो, F7 करो, F6 की ज़रूरत नहीं है, आप F7 करो। अब ये क्या हुआ, अब बारिश टपकता हुआ आया, ओके, फिर से F7 करो। अब इसके बाहर भी गया, ठीक है, ये हो गया, फिर से F7 करो, अब ये दूर तक आ गया, ठीक है, फिर से F7 करो और यहाँ आपको क्या करना है, छोटा सा हल्का सा बूंदे दे देना है, छोटा सा, ये क्या हुआ, मतलब जितना देर के बाद आए और बूंदे टपक के ख़त्म हो गए, और एक बार F7 करके 2-3 कर दो, सिर्फ 1-2-3 अब एक क्लिक कर दो, देखो देखिए क्लिक हुआ फिर गिरा फिर ये हुआ, फिर क्लिक किया फिर गिरा फिर ये हुआ, ठीक है, इसको हम बंद कर दिए। अब देखिए ये हो गया ना, कंट्रोल इंटर करते हैं, देखो पत्थर को, देखिए ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है ना, पानी गिर रहा है, टपक रहा है, भाग रहा है, तो आपको इसको क्लिक करना है, इसके अंदर जाना है, भी प्रेस कर दो पहले, इसके अंदर जाओ, अंदर गया, F5 करके एक एक बार करके एक बार क्लिक कर दो, हर हर इसमें, पर एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, F5 करके ज़्यादा हो गया। अब देखिए गिरा फिर टपक रहा है, ठीक है, अब कंट्रोल एंटर करते हैं, अब देखते हैं, देखिए ये हल्का सा स्लो हो रहा है और ये हो रहा है, ठीक है, बारिश टपक के। अब आपको क्या करना है, जब इसको ये हो गया ना, इसको क्लिक करना, ठीक है, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल भी करो, कहाँ पेस्ट हुआ, यहाँ पेस्ट हुआ, इसको ले आओ,
यहाँ इस बारिश पे फेंको, यहाँ क्लिक करो एक बार। इसको ट्रिक किया, लूपिंग आ गया। देखिए यह क्या करना, हर एक मतलब परफेक्ट तरीके से मत देना, एक एक करके। इसको एक दिया तो इसको तीन कर दो, ठीक है, फिर भी करो, फिर इसको क्लिक करो कंट्रोल सी, फिर भी। अब इसको फिर जो है यहाँ रखो, इसको तीन किया था तो इसको पांच करो, लूपिंग को इसको पांच कर दो, ठीक है। फिर इसको लो, फिर भी प्रेस करो, इसको फिर क्लिक करो, फिर कंट्रोल सी करो, फिर कंट्रोल भी करो, इसको फिर से यहाँ प्रेस करो, इसको सेवन नंबर कर दो। एक मिनट, बाहर आ जाओ, इसके अंदर क्लिक हो गया, इसको फिर सेवन कर दो, ओके। फिर इसी को ही क्लिक कर दो, सबसे बेस्ट है, इसी को क्लिक किया, भी किया तो यहाँ क्लिक हो गया। अब यहाँ इसको छोड़ दो और इसका अब नाइन कर दो, क्लिक करो और नाइन या टेन जो भी देना है दे दो, ओके। अब हम कंट्रोल एंटर करते हैं, अब देखते हैं। देखिए देख रहे हो ना, बारिश टपक रहा है और बूंदे भी गिर रहा है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी पांच नहीं देना चाहिए था, एक दो देना चाहिए था, ठीक है। तो आप एक दो दे देना, ओके। तो देखिए बारिश भी हो रहा है, करक भी रहा है और ये बूंद भी गिर रहा है। अब क्या होता है, बाहर का टाइप का जो है ना, बाहर का टाइप यानी ये तो ऊपर ऊपर दिखा रहा है, बाहर टाइप का नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए क्या करना, ठीक है, प्रोफेशनल के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर जस्ट ऐसे दिखाना है तो ऐसे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसके बाद नहीं तो आपको क्या करना, ये क्लिक करना, ठीक है, छोटा कर दो हल्का सा, इसको क्लिक करो, कंट्रोल सी करो, ठीक है, सिर्फ कंट्रोल सी, और एक नया लिया लो और यहाँ इसका कंट्रोल शिफ्ट भी कर दो, कंट्रोल शिफ्ट भी कर दो, ओके। कंट्रोल शिफ्ट भी जब किया तो देखिए यही आ गया, क्यू प्रेस करो, इसको हल्का सा छोटा कर दो, ओके। अब यहाँ से इसको छोटा कर दो और ऐसे करके इसको मैनुअली इसको ठीक से बैठा दो, जो ठीक है, छोटा कर देना, मैं बार बार बता रहा हूँ, छोटा कर देना। कलर में आओ, अल्फा में क्लिक करो, ये 43 तो ठीक है, इसको और भी अंधेरा कर दो हल्का सा, ये 43 था ना, तो ये 36 कर देना, ओके। अब भी प्रेस करो, अब हमारे फाइनली हो गया। अब हमें क्या करना, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा ही देते हैं, यानी 5 सेकंड, यानी यहाँ आप जितना सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही तो होता है, अंदर काम कर लो और बाहर जितना मर्जी उतना बढ़ाओ, कंट्रोल एंटर करो। अब देखो काम तो हमारे कंप्लीट हो गया। देखिए बाहर की तरफ भी देखना, ये इधर भी गिर रहा है, बाहर की तरफ भी, यानी पूरे तरीके से ठीक से बारिश ही बारिश हो रहा है, ठीक है। तो ये लाइन जो है ना आप थोड़ा सा सीधा देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बारिश इसी हिसाब से होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और भी हम आपको आसान भाषाओं में सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना भाई, और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, कमेंट में आपको ज़रूर मैं हेल्प करूँगा आपको, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।